हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्न अभी 8D पे हैं और क्वेश्चन नंबर है 13। क्या कह रहा है कि ABC एक त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है। कर्ण AB के मध्य बिंदु M से होकर BC के समांतर खींची गई रेखा AC को D पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि क्या दर्शाना है कि D भुजा AC का मध्य बिंदु है, MD लंब होगा AC पर, और तीसरा कह रहा है कि CM इक्वल टू MA इक्वल टू हाफ ऑफ AB, ये भी दिखाना है। चलिए पहले इसको समझ लेते हैं। क्या दिया है कि एक समकोण त्रिभुज है, फिगर देखिए ध्यान से, जिसका कोण C जो है समकोण है। ठीक है, यहाँ A देते हैं और यहाँ B देते हैं, ये कर्ण AB हो गया, इसका मध्य बिंदु देखिए M है। कह रहा है कि इस मध्य बिंदु M से होकर BC के समांतर खींची गई रेखा। तो देखिए BC के समांतर M से कहाँ कैसे की रेखा खींची गई, ये जो है AC को D पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो इन सबको हमें सिद्ध करना है। चलिए पहले देख लेते हैं क्या दिया है और क्या सिद्ध करना है। दिया है त्रिभुज ABC में एंगल C समकोण है, कर्ण AB का मध्य बिंदु M है। फिर उसके बाद क्या दिया है कि ये जो MD है समांतर है BC के। तो सिद्ध करना है पहले में क्या करा कि D भुजा AC का मध्य बिंदु है, ये दिखाना है। फिर उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, MD जो है ना लंब है AC के। और तीसरा देखिए क्या कह रहा है कि CM जो है इक्वल है MA के और इक्वल है हाफ ऑफ AB के। चलिए अब हम लोग इसका यहाँ पर हम लोग प्रमाण देखते हैं। ठीक है, चलिए अब इसका यहाँ पे प्रमाण देखते हैं। तो प्रमाण देखने से पहले हम इसमें थोड़ी सी रचना करेंगे। यहाँ हम लोग CM को मिला देते हैं, CM को मिलाया, चलिए CM को मिला देते हैं रचना करके, यहाँ मिला देते हैं और इसको डॉटेड कर देते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखिए इसका हम लोग यहाँ प्रमाण देखते हैं। चलिए यहाँ आपके पास दिया हुआ है कि M जो है AB का मध्य बिंदु है तथा ये MD जो है ना समांतर है BC के। तो ये जब दोनों चीजें, ये मध्य बिंदु है और ये वाला इसके समांतर है, तो इस तीसरी भुजा AC को भी ये समद्विभाजित करेगा ना, यानी कि यहाँ D AC का मध्य बिंदु हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि D, इसलिए D AC का मध्य बिंदु है। क्यों है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं जो हम लोग पढ़े हुए हैं मध्य बिंदु प्रमेय उसके विलोम से, मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से। चलिए अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, ये मध्य बिंदु हमने दर्शा देते हैं, ये इसके बराबर हो जाएगा। अच्छा, और देखिए अब हमें दिखाना है कि ये MD जो है ना लंब है, ठीक है ना, AC पे देख लीजिए, दूसरे में ही नहीं दिखाना है जी, MD लंब है AC पे। अब देखिए इसके बाद, चूंकि MD समांतर है BC के, ये दिया है, एंगल C बराबर में 90 है, तो इसलिए एंगल MDA जो होगा बराबर हो जाएगा एंगल C के बराबर में 90, संगत कोण के युग्म है ना, इसलिए।
एंगल जब एम डी ए 90 आ गया, इसका मतलब यही ना होगा कि एम डी लंब है ए सी पर। तो ये फर्स्ट नंबर हुआ है, ये सेकेंड नंबर हमने दिखाया है। अब देखिए थर्ड नंबर के लिए, थर्ड नंबर दिखाना है कि ये जो सी एम है इस एम ए के बराबर है ना, और हाफ ऑफ है ए बी के लिए। तो इसको इसके बराबर करके इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम कर लेना होगा। त्रिभुज सी डी एम तथा त्रिभुज ए डी एम, यहां देखिए क्या क्या हो जाएगा। सी डी इक्वल टू ए डी, क्यों? क्योंकि डी ए सी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, इसलिए ऐसा होगा। ठीक है, अच्छा फिर एंगल सी डी एम इक्वल टू में एंगल ए डी एम, प्रत्येक 90 लंब होने के कारण। फिर तीसरा एक और कोण हमें भुजा ले लेना होगा, ये वाला डी एम, उभयनिष्ठ है दोनों में, उभयनिष्ठ। तो यहां से त्रिभुज सी डी एम सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ए डी एम के। कैसे? साइड एंगल साइड सर्वांगसम से। ठीक है, तो जब ये सर्वांगसम हो गए दोनों त्रिभुज, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं सी एम जो होगा ना बराबर हो जाएगा ए एम के सी पी सी टी से। और एम जब ए बी का मध्य बिंदु है तो ये ए एम जो होगा हाफ हो जाएगा कि नहीं ए बी का, चलिए चूंकि एम ए बी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, तो यहां से ए एम हाफ होगा किसके? ए बी के। इसलिए लिख सकते हैं कि सी एम इक्वल टू में ए एम इक्वल टू में हाफ ऑफ ए बी हो जाएगा इन दोनों से। ये आपका प्रमाणित हो गया। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। दिखाइए कि चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाले रेखा खंड परस्पर संधिविभाजित करते हैं। ये क्वेश्चन था इसी एक्सरसाइज में, ये दोबारा से दे दिया, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पर एक चतुर्भुज बना लेता हूँ। ठीक है, ये आपका एक चतुर्भुज मैं पहले यहाँ बना लेता हूँ, इसका नामकरण कर देते हैं यहाँ पर ए बी सी डी। आपके पास चतुर्भुज हो गया, इसके भुजाओं के मध्य बिंदु यहाँ पर ले लेते हैं पी क्यू आर यहाँ पर, और यहाँ एस ले लेते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है कि इनके सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदु, तो देखिए सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदु पी और आर यहाँ पर हो जाएंगे, क्यू और एन एस हो जाएंगे। तो ये दोनों ये जो देख रहे हैं पी आर एंड क्यू एस एक दूसरे को संधिभाजित करते हैं, ये रेखाखंड, ये हमें दिखाना है। चलिए देखते हैं दिया क्या है और क्या सिद्ध करना है। दिया है ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। ठीक है, पी क्यू आर तथा एस एस क्रमशः ए बी बी सी सी डी तथा डी ए के मध्य बिंदु हैं, मध्य बिंदु है। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है जी? हमें यहाँ पे सिद्ध करना है कि पी आर और क्यू एस परस्पर संधिभाजित करते हैं, संधिभाजित करते हैं, ये हमें दिखाना है। ठीक है, चलिए इसमें हम लोग एक काम करते हैं, इसमें रचना थोड़ी सी कर लेते हैं। रचना में क्या करेंगे जी? हम लोग P से Q को मिलाते हैं, फिर Q से R को, R को S से और S को P से,
और एक विकर्ण भी मिला लेते हैं, तो इनको डॉटेड कर देते क्योंकि ये हमारी रचनाएं हैं। ठीक है, चलिए ये हम लोग इसको डॉटेड कर देते हैं। चलिए इसके बाद हम क्या कर देते हैं, पहले लिख देते हैं कि पी क्यू क्यू आर आर एस एस पी तथा ए सी को मिलाया। ठीक है, इतना हम लोग इसमें किए हैं जो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। चलिए अब इसका हम लोग यहाँ पर प्रमाण देखते हैं। चलिए अब इसके बाद हम लोग इसका प्रमाण यहाँ पे देखते हैं। देखिए इसमें हम लोग चलते हैं पहले त्रिभुज ए बी सी में, यहाँ P तथा Q क्रमशः AB तथा BC के मध्य बिंदु हैं, मध्य बिंदु हैं। तो जब AB और BC के मध्य बिंदु रहते हैं, लिख सकते हैं कि PQ जो हो जाएगा आधा हो जाएगा AC का तथा PQ समांतर हो जाएगा AC के। चलिए फिर उसी तरीके से इसमें आगे बढ़ते हैं, चलते हैं त्रिभुज। ये कैसे हो रहा है आपको पता है ना जी, मध्य बिंदु प्रमेय, मध्य बिंदु प्रमेय। चलिए अब देखिए त्रिभुज ए डी सी, इसमें इसको समीकरण एक मान लेते हैं। अब देखिए ए डी सी में इसमें एस तथा आर क्रमशः ए डी तथा सी डी के मध्य बिंदु है, तो यहां से लिख सकते हैं एस आर जो हो जाएगा हाफ हो जाएगा एसी के तथा एस आर जो हो जाएगा समांतर हो जाएगा एसी के। ये भी लिख देंगे मध्य बिंदु प्रमेय से, मध्य बिंदु प्रमेय से। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं समीकरण एक तथा समीकरण दो से क्या हो जाएगा, एस आर समान हाफ है एसी के और समांतर है एसी के, यहाँ पे पी क्यू हाफ है एसी के और समांतर है एसी के। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि पी क्यू बराबर हो जाएगा एस आर तथा पी क्यू समांतर हो जाएगा एस आर के। ठीक है, तो जब एक चतुर्भुज के एक सम्मुख भुजा का युग्म बराबर और समांतर हो जाए तो क्या हो जाएगा, तो समांतर चतुर्भुज हो जाएगा, पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। अब देखिए जब समांतर चतुर्भुज हो गया तो हम जानते हैं, लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर परस्पर संधिभाजित करते हैं, संधिभाजित करते हैं। तो यहां से अब हो जाएगा, यहां से हो जाएगा इस समांतर चतुर्भुज के विकर्ण पी आर और क्यू एस है, अतः पी आर तथा क्यू एस परस्पर संधिभाजित करते हैं, संधिभाजित करते हैं, ऐसा हम लोग यहां लिख सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, चित्र में त्रिभुज पी क्यू आर की एक माध्यिका पी एस है, पी क्यू आर की माध्यिका एक पी एस है और ये एम एन समांतर है क्यू आर के। तो सिद्ध करना है कि ये जो एम एल होगा ये एल एन के बराबर होगा। चलिए देखते हैं दिया क्या है और सिद्ध क्या करना है। दिया है त्रिभुज पी क्यू आर की एक माध्यिका पी एस है और एम एन जो है ना समांतर है क्यू आर के। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है कि ये एम एन जो होगा बराबर होगा एल एन के। चलिए अब इसका हम लोग यहाँ पर प्रमाण देखते हैं।
ध्यान से देखिए, हमारे पास क्या रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर की एक माध्यिका पीएस है तथा एमएन जो है ना समांतर दिया है क्यूआर के, एमएन समांतर है क्यूआर के और त्रिभुज पी क्यूआर की माध्यिका पीएस है, तो इस त्रिभुज के लिए भी ये माध्यिका हो जाएगी, इसलिए त्रिभुज पी एम एन की भी एक माध्यिका या त्रिभुज क्या हो जाएगा, पी एम एन की माध्यिका माध्यिका पी एल होगी। तो जब ये माध्यिका हो जाएगी पी एल तो इसको दो बराबर भागों में बांटेगी ना, हम जानते हैं कि त्रिभुज की माध्यिकाएं सामने वाले भुजा को समद्विभाजित करती है, दो बराबर भागों में बांटती है। यानी यहां से हो जाएगा एम एल बराबर में एल एन, आपका ये प्रमाणित हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। चित्र में ए बी सी और त्रिभुज सी डी ए की माध्यिकाएं क्रमशः ए डी और सी है। देखिए त्रिभुज ए बी सी की माध्यिका ए डी है, यानी ये इसको दो बराबर भागों में बांटेगा। और फिर कह रहा है कि त्रिभुज सी ए डी की माध्यिका ये सी है, यानी कि यहाँ पे ए डी और ए इक्वल है। ठीक है, चलिए तो आगे क्या कह रहा है फिर आगे कि यदि ई एम समांतर है बी सी की, ये ई एम बी सी के समांतर है, और फिर कह रहा है कि ई एम ए बी को एन पर मिलता है, ई एन जो है ई एन जो है ए बी को एन पर मिलता है, तो सिद्ध कीजिए कि ये ए एन जो है ना इस बी एन के बराबर होगा। चलिए पहले लिख लेते हैं क्या दिया है और फिर क्या सिद्ध करना है। दिया है त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज सी ए डी की माध्यिकाएं क्रमशः थोड़ा स्पेस लेना होगा, क्रमशः ए डी और सी ई है। ठीक है, और फिर क्या आ रहा है कि ई एम जो है ना समांतर है आपके बी सी के, ई एम जो है ना समांतर है बी सी के, तो सिद्ध करना है कि ये जो एन होगा ना बी एन के बराबर होगा। चलिए अब हम लोग इसका प्रमाण देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे दिया है कि त्रिभुज सी ए डी की माध्यिका सी है, तो ये सामने वाले भुजा का दो बराबर भागों बांटेगी ना, इसलिए यहाँ पे लिख पाएंगे कि ए जो हो जाएगा बराबर हो जाएगा डी के। इसका मतलब कह सकते हैं कि ई ए डी का मध्य बिंदु है तथा यहाँ पे अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं कि ये एन सी जो होगा ना, एन सी ये वाला यहां से यहां तक, ये समांतर हो जाएगा बी डी के। क्यों? क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि एम 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 ई या ई एम लिख देते हैं, ई एम समांतर बी सी आपके पास दिया है, तो ये पूरा इसके समांतर, तो ये वाला भी तो इसके समांतर हो जाएगा ना जी। तो चलिए अब हम लोग लिख सकते हैं यहां पर लिख सकते हैं कि मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से क्या हो जाएगा इसके विलोम से। तो देखिए इस त्रिभुज हम लोग ए बी डी में, ध्यान से देखिए त्रिभुज ए बी डी में, यहां पर ये इसका मध्य बिंदु हो जा रहा और ये इसके समांतर, तो इसलिए एन ए बी का मध्य बिंदु होगा ना जी। तो जब ये मध्य बिंदु हो जा रहा है, इसका मतलब क्या से हो गया, ये जो एन है बराबर है आपके बी एन के ना, है ना जी,
बी एन के, यहाँ एन कर दो, ये गलती से एम कर दिया हूँ, पर आपको ए एन बी एन के बराबर दिखाना था। चलिए तो ये आपका प्रमाणित, समझ गए? तो आज की क्लास में ये देख लिए क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 17 नंबर। चित्र में एल रेखा के एक ही ओर ए और बी दो बिंदु हैं। एल रेखा के एक ही ओर ए और बी दो बिंदु हैं। AD लंब है एल पर और बी भी लंब है एल पर, ठीक है। एल रेखा एल के क्रमशः डी और ई बिंदु पर मिल रहे हैं, देख रहे हैं जो लंब है डी और ई पर मिल रहे हैं एल पर। ए बी का मध्य बिंदु यहाँ पर सी है, तो सिद्ध कीजिए कि सी डी जो होगा ना, सी डी इक्वल टू में सी ई होगा, ये सी डी और ये सी ई बराबर होगा। चलिए पहले देख लेते हैं क्या दिया है और क्या सिद्ध करना है। दिया है रेखा एल के एक ही ओर दो बिंदु ए और बी है, ए डी लंब है एल पर तथा बी लंब है एल पर। ए बी सी जो है ए बी का मध्य बिंदु है। तो सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है जी, ये सी डी जो होगा सी के बराबर होगा। चलिए इसमें हम लोग थोड़ी सी रचना करने वाले हैं। रचना में देखिए क्या करते हैं हम, रचना में सी से इस डी पे लंब दे देंगे, डी का ये रेखा एल पर हम लोग लंब दे देते हैं, इसका नाम कुछ दे देते हैं, मान लीजिए यहाँ पे पी दे देते हैं, ठीक है। हमने लंब रचना में खींचा इसलिए यहाँ पे डॉटेड कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया कि सी पी लंब एल खींचे। चलिए अब इसके बाद हम लोग इसका प्रमाण देखते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर, यहाँ ए डी लंब है एल पर, बी ई लंब है एल पर दिया है, रचना से यहाँ पे सी पी भी लंब हो जा रहा है एल पे। तो अगर ये तीनों एक दूसरे पे लंब है, तीनों रेखा एल पर लंब है, यानी कि तीनों एक दूसरे के समांतर हो जाएंगे, तो यहाँ ये तीनों समांतर हो जाएंगे, ए डी समांतर हो जाएगा सी पी समांतर हो जाएगा बी ई के। अच्छा, ये जब तीनों समांतर हो गए तो अगर यहाँ पे देखो कि ये दिया है कि सी जो है ए बी का मध्य बिंदु, यानी कि ये अंतःखंड अगर देखा जाए, ये तिरय का रेखा का काम करेगा, तो ये अंतःखंड बराबर होना, तो ये भी अंतःखंड बराबर हो जाएंगे कि नहीं, ये इसके बराबर हो जाएगा। अच्छा, चूंकि सी ए बी का मध्य बिंदु है अर्थात ए सी बराबर है बी सी के, तो यहाँ पे लिख सकते हैं डी पी बराबर आपका ई पी हो जाएगा। कैसे? तो यहाँ लिख देंगे अंतःखंड प्रमेय से, ठीक है। अब इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम कर दो, हमारा काम हो जाएगा। त्रिभुज सी पी डी तथा त्रिभुज सी पी ई, इन दोनों त्रिभुजों में देखिए, तो एक तो यही हो जाएगा डी पी बराबर में ई पी अभी दिखाए हैं, दूसरा आपका हो जाएगा यहाँ पे एंगल सी पी डी बराबर में एंगल सी पी ई प्रत्येक 90। अच्छा, तीसरा क्या हो जाएगा, ये सी पी सी पी उभयनिष्ठ हो जाएगा, दोनों त्रिभुजों में है, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं यहाँ पर कि सी पी बराबर में सी पी उभयनिष्ठ, तो यहां से त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे, त्रिभुज सी पी डी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज सी पी ई के, साइड एंगल साइड सर्वांगसमता से। तो जब ये सर्वांगसम हो गया, यहां सी पी सी टी से नहीं हो जाएगा आपका, जो हमें साबित करना था क्या हो जाएगा, ये सी डी सी के बराबर हो जाएगा, सी डी इक्वल टू में सी ई सी पी सी टी से,
ये आपका प्रमाणित हो गया। तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में बचे हुए क्वेश्चंस को देखेंगे। आपको हमारे तीन चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन, रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर आर डी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएं, और इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहां जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जाकर पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल्स के वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।